हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। और हम इतने को कर शुरू करने लगी थी, मैंने कहा यहीं से शुरू कर लेती। फिर मैं साफ कर रही थी पालक, और ये भी मेरे पालक लेकर आए हस्बैंड, तो देखिए कितनी पतली पतली कर दी है पालक की गड्ढी, देखिए। और ठीक है, चले मैं अभी तो यहीं से अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। और आज हमारा त्यौहार है रक्षाबंधन का, तो जो मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, तो आप सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको राखी बहुत बहुत मुबारक हो। और वैसे तो हम लोग सुबह ही चले जाते थे अपने भाई को राखी बांधने, यानी मैं भी और मेरी बहन भी आ जाती थी, और मेरी बेटी भी भाई बेटे को मेरी राखी बांध जाती थी। किसी दफ़ा कोई शुभ मुहूर्त का वो है इशू है, तो इस वजह से हम लोग रात में जाएंगे। और तो भाई के घर तो बस हम सुबह उठे तो बस नाश्ता किया, तो बस खाने की तैयारी शुरू कर दी है। चने मैंने पहले बॉयल कर लिए थे, रात को मैंने भिगो दिए थे, तो आज मैं बना रही वाइट चने और पालक। तो मैंने कहा चले आपसे भी रेसिपी शेयर करूँगी, और बाकी जो है वो सारी रूटीन भी शेयर करूँगी। फिर भी खा रहे थे, आज मेरे तैयारियों में लग जाएगा। पहले तो हम एक दिन पहले तैयारी कर लेते थे, क्योंकि सुबह सुबह जाना होता तो सुबह सुबह राखी बांध के आनी होती थी। भाई को भी फारिक हो जाते थे, लेकिन इस दफ़ा कोई इशू है, हम लोग रात में जाएंगे, तो भाई के घर बहन भी आ जाएगी, तो फिर हम लोग रात को राखी बांधेंगे। भाई को मेरी बेटी भी अपने भाई को बांधेगी, और मेरी बहन की बेटी आएंगी वो मेरे बेटे को बांधेगी। बस चलिए आपसे भी शेयर करती हूँ। ये पालक वालक साफ कर लेती हूँ, चने बॉयल कर लिए, बाकी जो काम है वो बेटी भी कर लेती है, फिर मैं ही खाना वाना बनाती हूँ। मैंने कहा सुबह सुबह ही फारिग हो जाए इन चीज़ों से, तो अच्छे अब बाजी भी आ जाएगी मेरी, तो मैं आपके साथ सारा शेयर करती हूँ। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी पालक और वाइट चनों की। जी तो व्यूअर्स, मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, प्याज काट लिए, चने मैंने बॉयल करे हुए थे, और पालक को मैंने अच्छी तरीके से वो अच्छे तरीके से धो लिया, और इसको मैंने रख दिया ताकि इसका पानी अच्छे से खुशक हो जाए, क्योंकि ये बड़े पत्तों की पालक है, तो फिर ये पकने के टाइम पे पालक जो है ना पानी बहुत छोड़ती है, तो इसलिए मैंने कहा जो इसमें धोया पानी वो अच्छी तरह निकल जाए। और ये लहसुन और ज़ीरा और काली मिर्च मैंने कूट ली है, बाकी नमक जाएगा, मिर्चें जाएंगी, धनिया जाएगा, और हल्दी जाएगी, टमाटर और सब्ज़ मिर्च जाएगी। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैंने इसमें प्याज डाल दिए, प्याज डाल दें। और जो कल हमने आपसे कल शेयर किया था कि जो हमारे साथ जो हुआ है बम जो फटा है हमारे पे, मैंने कहा चलो वो भी आपके साथ शेयर कर दें, सस्पेंस ख़त्म कर दें। तो ये मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे कि हमारे साथ कल क्या हुआ है। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे प्यारे बहन भाई, वो सब ठीक ठाक है? हाँ, वो धमाके की तो जो बात कल कही थी ना, धमाके की जो बात आपसे, तो धमाका यही था कि बिजली को तो हम कहते कैसे थे, कुछ महीनों से तो हम बिजली को रो रहे थे, तो वो साथ साथ एकदम जब वो गैस ने बम फाड़ दिया सर का, क्या हमारे वो गैस का ये हुआ है कि हमारा मीटर जो है वो रिप्लेस हुआ है यहाँ पे, खुद ही वो गाड़ी आई है, हमने कोई शिकायत नहीं करी, खुद ही कंपनी और की गाड़ी आई है, खुद ही चेंज करके, दो महीने हो रहे जो चले गए चेंज करके। हाँ, तो वो चेंज करके चलेगा, हालांकि मैं खुद सिविल डिपार्टमेंट में मैंने वर्किंग की 14-15 साल, ये रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन रिप्लेसमेंट के साथ ये पीछे जो पैसे इन्होंने डाल दिए ना, वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिबेट एडजस्टमेंट के नाम से जो है पैसे इन्होंने तकरीबन 24,000 रुपए का बम फाड़ा हमारे सर पे, और वो हमारे पे डाल दिया, एक तो मीटर रिप्लेस, ऊपर से फिर ये पैसे, फिर बेरोजगारी और गरीबी। आप ये बताए बम फाड़ने से कम बात है ये? हम जब से आपके साथ अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो मैं सिलेंडर पर ही खाना पकाती हूँ, अक्सर सिलेंडर खत्म हो जाता है, फिर हम गैस डलाते हैं। आपके साथ हमने सब कुछ शेयर किया, गैस ना होने के बावजूद 24,000 का बिल हम पे डाल दिए। असल में जो इश्यूज है ना, वो ये है कि एक तो गैस तो होती नहीं, तो सबको पता है पूरे केपी में गैस है ही नहीं। अब गैस ना होने के बाद फिर मीटर रिप्लेस होना, और रिप्लेस होने के बाद एक कंज्यूमर के ऊपर इतने पैसे डाल देना, तो मेरा तो क्वेश्चन स्विगी वालों से भी है कि ये भाई आप कौन से चार्जेस डाल देते, कौन सी लेबॉरेटरी के चार्जेस डाल देते, आप कंज्यूमर को बताते नहीं है, बुलाते नहीं है। लेबॉरेटरी का काम है कि कंज्यूमर का, जिसका ये मीटर में से अगर कोई फॉल्ट निकलता है, तो आप आके पहले कंज्यूमर को इन्फॉर्म करें, उसको बुलाएं ऑफिस में और उसको दिखाएं लेबॉरेटरी के अंदर कि आपके लेबॉरेटरी के तहत ये फॉल्ट निकला है इसके अंदर। आप कंज्यूमर को बताते नहीं, और अपनी तरफ से कंपनी जो है वो डाल देती है, लागू कर देती है। अब हम जैसे बंदे ये पैसे दे कहाँ से ला करके, 24,000, किसी का 30,000 होता है, किसी का 60,000, किसी का 1,00,000, कंज्यूमर को नहीं पता है। अब ये कहती है, कंपनी कहती है कि जी ये अपना लेबॉरेटरी जो है उसके चार्जेस डालें। लेबॉरेटरी ने किससे पूछ के लेबॉरेटरी की, और लेबॉरेटरी करने के बाद कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया? आपका तो फ़र्ज बनता है कि आप कंज्यूमर को बुलाएं, आपके मीटर में ये काम था और ये टाइम से, इसलिए ये हम लोगों ने चार्जेस डाले। और फिर चार्जेस डालने का मकसद ये देखें, मतलब 1,000, 2,000, 5,000 की बात एक अलग होती, 6,000 में नया मीटर लग रहा होता है,
और 6,000 की जगह ये जुर्माना कोई डाल रहे हैं या जो भी कोई लिबर्टी चार्जेस डाल रही है वो हजारों में डाल रही है। तो यार पाकिस्तान के लिए भाई कुछ अच्छा करने की कोशिश करो SNGPL वालों, MD साहब मैं आपसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरे रिकॉर्ड मेरी जो वॉइस है सुनने वाले इसको इतना फैलाएं, इतना चलाएं, इतना आगे करें कि ये MD तक हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL लाहौर तक पहुंच जाए मेरी वॉइस, क्योंकि ये जब उन तक पहुंचेगी तो उनको भी पता चले कि ये कंपनी कर क्या रही है, कंपनी का क्या काम है कि इतने गरीब के पीछे पैसे भेज देना। यार तुम उसको बुला के कम से कम बताए तो सही ना, हम 14-15 साल अपने ज़िंदगी के हमने SNGPL को दे दिए तो उसका तोहफा SNGPL हमें ये दे रही है, किराए के घर में रह रहे गैस होती नहीं है। गैस होने के बावजूद जो बिल हमारा आता है 200, 400, 500 जितना भी बिल आता है गैस आपके सामने नहीं, फिर भी हम बिल भर देते हैं, और बिल भरने के बाद भी आप हमें इतने पैसे हम पे डाल रहे हैं तो फिर हम क्या करें। बिल अभी हमारे पास नहीं, बिल हमारे साथ वालों के पास है, जब बिल हम उनसे लेंगे तो आपके साथ बिल भी शेयर करेंगे, बिल भी दिखा देंगे उसमें ला के, मैं आपको बिल शो करा दूंगा, क्योंकि मैं तो इन रूल्स रेगुलेशंस को ज्यादा फॉलो करता हूं। मैं खुद एक शुक्र है खुदा का ईमानदार आदमी हूं, मैंने जो 16 साल ड्यूटी की है स्विगी फकीराबाद ऑफिस के अंदर बहुत ईमानदारी के साथ की है, पूरा दफ्तर एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर इंचार्ज तक मेरा जानते हैं कि राजेंद्र लाल राजू ने कैसी सर्विस की अपनी 14-15 साल के अंदर। नाम भी इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी इस व्लॉग को आप लोग इतना फैलाएं कि MD तक जाएं ज़रूर, और MD साहब को पता होना चाहिए कि ये ईमानदार एक राजपूत हिंदू का बच्चा है कि जो ये बातें कर रहा है कि कितनी ईमानदारी से हमने अपना वक्त गुजारा और कितने इन लोगों ने जो हम लोगों को ये नुकसान पहुंचाया। मैं गरीब आदमी 2-2.5 साल से तुमने मेरा काम बंद किया हुआ, मीन्स स्विगी न्यू इंस्टॉलेशन बंद है तो काम बंद है, अब काम बंद होने के बाद बेरोजगारी, बेरोजगारी के बाद फिर ये 25,000-24,000 रुपये का बिल तो कहाँ से भरे भाई, मुझे बताएं ना आप लोग। इसलिए मेहरबानी करके भाई आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इसको खूब ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, खूब ज़्यादा इसको बढ़ाएं फैलाएं ताकि ये जो है वो वहाँ तक हाई जो हमारे बैठे हुए हैं मैनेजमेंट जो बैठी हुई है GM है आप बिलिंग जो बैठे हुए हैं या MD साहब हमारे जो बैठे हैं वहाँ तक ये बात पहुँचे कि देखें कि ये 24,000 रुपये मैं भरूँ कहाँ से, मुझे कोई सैलरी दे रहा है। बिल की यकम तारीख आखिरी है, अब आप बताएं कि ये हम कौन सी तारीख को जमा करा, ये जमा तो खैर कराने की बात ही नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं। आ जाए आप अपने शौक से मीटर काटे डिस्कनेक्शन करके ले जाए, उसको भी जमा कर ले, मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं बेकार आदमी बैठा हूँ, मैंने सारी उम्र ईमानदारी से काम किया है, उस ईमानदारी का मुझे तोहफा SNGPL ये दे रही है, बहुत थैंक यू करूँगा SNGPL का मैं इस बात के ऊपर। बाकी फिर अगेन दोबारा मैं आपसे कहूँगा भाई आप ये मेरी वॉइस को जो है खूब फैलाएं, खूब बढ़ाएं मेरी इस मिसिस के व्लॉग के ही थ्रू, तो ये अभी मेरी मिसेज आपसे बात करेंगे। हाँ जी, तो बस यही मेरे, मैं बस परेशान थे हम लोग, 2 दिन से परेशान है, आज सुबह से ही मेरे सर में भी इतना शदीद दर्द हो रहा है कि त्यौहार सर पे आ गया, आज बल्कि हमारा त्यौहार ही, और त्यौहार के दिन हमें ये तोहफा मिल गया कि गैस का बिल इतना ज़्यादा, और आपके सामने अभी भी देखे मैं सिलेंडर पर ही खाना पका रही हूँ, एक चीज़ की सहूलत है नहीं और फिर उसके बाद इतना बिल, ये तो फिर मुश्किल है कि नहीं है। तो बस यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएं ताकि आगे तक लोगों के पास जाए, और ये प्याज जो है वो हो गए लाइट ब्राउन में थोड़े से और हो जाए तो इसमें मैं मसाला भी जी, प्याज हो गए तो इसमें मैं लहसुन शामिल कर दूँ, नमक शामिल कर दूँगी साथ ही चीज़, हल्दी शामिल कर और साथ ही मैं धनिया भी डाल दूंगी और इस मसाले को अच्छी तरीके से मैं भून लूंगी, तो मसाला भून गया तब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी, टमाटर डाल के मैं इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि टमाटर गल भी जाए और घुल भी जाए इस मसाले में। नहीं तो मैं देखो मसाला अच्छे से भून गया, टमाटर भी गल गए अच्छे से, तो मैं इसमें चने शामिल कर दूँगी और चने डाल के मैं इसे भून लूँगी अच्छे तरीके से। जी तो ये अच्छे से भून गए चने, देख लें आप, तो मैं इसमें पालक डाल दूँगी, पालक डाल के इसको मैं ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। जी तो मैंने पालक डाल के इसको ढक दिया था और मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, पालक थोड़ी नरम हो गई है, अभी
पानी अपना छोड़ेगी और फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो पानी वानी छोड़ेगी तो वो खुशक हो जाएगा, फिर मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, अभी मेथी मिली नहीं है, इसमें मेथी भी डलती है, लेकिन अभी मैंने सब्जी अपनी ऑनलाइन से मंगवाई है तो सब्जी वाले ने कहा कि मेथी नहीं है ना, तो मैंने सिर्फ पालक ही डाली, वरना इसमें मेथी भी डलती है और उसकी तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मैं इसे ढक के रख दूँगी ताकि पालक अपना पानी अच्छे से जो है वो छोड़ देगी, फिर मैं इसको भून के उतार दूँगी। ये तो व्यूअर्स देखें, पालक का पानी खुशक हो गया और इसे मैंने अच्छे तरीके से अब भून लिया। देखें तो ये रेडी हो गए हैं और इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं, वैसे तो पूड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, सुबह पराठे के साथ अच्छा लगता है, तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। बस ये तैयार है, बाद में बाकी के जो काम रह रहा है वो हम लोग करके फिर रेडी होती है। जी तो व्यूअर्स, बाकी हम लोगों ने सारे काम हम समेट लिए और अभी बाकी रेडी होने का है, बस कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे हुए और अभी मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ मिठाई लेने जा रही हूँ। तो मैंने कहा चले अगर वहाँ गई तो वहाँ की भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बस अभी हम लोग निकल रहे थे तो मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। ये तो व्यूअर्स, मैं भी घर आ गई हूँ, तो बस मैं आती, मैंने आटा आटा गूंद लिया और मैं अभी आटे की पूड़ी बना रही हूँ। देखें ऐसी फूली फूली पूड़ी बन रही है, बस आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाले और घी की मुक्की लगा दी है, तो बस थोड़ी देर उसको रखा और अभी मैं उसकी पूड़ियाँ बना रही हूँ। मैदे से ज़्यादा आटे की अच्छी लगती है पूड़ियाँ, वाइट आटा हो ना। जी तो बहन भाई आ जाए हमारे साथ खाना खा रहे, देखिए हमने खाना खा रहे, सब्जी भी मैंने आपके सामने बनाई थी, चने और पालक की पूड़ी बनाई, अचार है, तो आ सकते हैं हमारे साथ, आप खाना खा सकते हैं। बस अभी शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, उसके बाद भाई को राखी बांधेंगे, फिर मैं भाई के घर भी जाऊँगी, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें अभी शुभ मुहूर्त हो गया, 8:30 बज गए हैं, तो अभी राखी की हमने तैयारी कर ली है। ये मेरी बहन की बेटी की थाली है और ये मेरी बेटी की थाली है, तभी मेरे बेटे को ये लोग राखी बांधेंगे, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये मेरी बहन की बेटी मेरे बेटे को भी राखी बांध रही है, तो ये बड़ी बहन है, पहले ये राखी बांधेगी तो फिर मेरी बेटी राखी बांधेगी, अभी इसने राखी बांध दी है। चलो अभी ये मेरी बेटी उसको राखी बांधेगी, तो ये मेरी बेटी राखी बांध रही है अपने भाई को। मिठाई है बस ये राखी बांध लेगी, भी छोटी दूसरी बहन बांध देगी, तो फिर हम भाई की तरफ जाएंगे। ये भाई बहनों का त्यौहार होता है, छोटी छोटी से हमारी खुशियाँ ये। जी तो अभी दूसरी बेटी मेरी बहन की मेरे बेटे को राखी बांध रही है। जी तो वैसे ही अभी राखी बांध ली और फिर हम भी जाएंगे, मैं अपने भाई को बांधूंगी राखी और बहन बांधेगी, फिर मैं आपके साथ वहाँ भी शेयर करूँगी। जी तो ये अभी मेरे भाई को बड़ी बहन मेरी राखी बांध ली, अभी हम भाई के घर आ गए, देखिए जी तो व्यूअर्स मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ, मेरा भाई है। दूसरी भाई गुलाब जामुन खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए, दूसरी खा ली जी। तभी हमने राखी बांध ली, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मेरे भाई ने शगुन दिया है जी, ये बड़ी बहन को भी दी और मुझे भी दी है।
तो आज आप भी मिठाई खा ले हमारे साथ, आ जाए हमारी खुशियों में शामिल हो जाए। छोटी छोटी सी हमारी खुशी है, ये फैन भाइयों का त्यौहार है। तो फिर मैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो मिलती हूँ। भाई आप भी जरा हेलो तो कर दें। हाँ जी मेरे भाई से तो मिल, ये बड़े भाई हैं इनके, ये कह रहे कि ये मिठाइयाँ बड़ी हुई है तो मिठाइयों से मैं फारिग हूँ, तो फिर बात करता हूँ। व्यूअर्स ये बड़े अच्छे भाई हैं। चले फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स अभी हम घर आ गए हैं और ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होगी क्योंकि टाइम लगेगा। अभी हम लोग घर आए हैं और मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि आज हमारा ये खुशियों का त्यौहार था और हमने जो मनाया है आपके साथ शेयर किया है। तो बस यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल आपसे फिर एक अच्छी सी वीडियो मिलते हैं। जब तक अपना रखेगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखेगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।